मगरमच्छ की खेती क्या होती है और कैसे की जाती है। ये जो मगरमच्छ की खेती है ये सबसे ज़्यादा थाईलैंड में की जाती है। थाईलैंड में हज़ार से ज़्यादा क्रोकोडाइल फार्म्स हैं और एक फार्म में करीब 12 लाख मगरमच्छ होते हैं, जिसमें सबसे पहले जब मगरमच्छ के अंडों को एक सुरक्षित जगह पर रखते हैं ताकि एक भी अंडा खराब ना हो सके, और फिर इन अंडों को 80 दिनों तक इनक्यूबेट किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अंडों को जल्दी विकसित कर दिया जाता है। जैसे ही बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं उन्हें पानी में छोड़ दिया जाता है और फिर 2 से 3 सालों तक उन्हें लाल फ्रेश मांस खिलाया जाता है और फिर उन्हें काट कर उनकी खाल और मांस को अलग अलग कर दिया जाता है। इनकी जो खाल होती है उनसे लग्जरी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और इनके मीट को काट कर मार्केट में बेच दिया जाता है, और जो मगरमच्छ का ब्लड होता है उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। बाकी मैंने इनके ऊपर फुल वीडियो बना दी है, आप इसे नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वीडियो को चेक जरूर कर लेना।